वेलकम टू फैसलाबाद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ राइस खीर, जिसके लिए मैंने लिए हैं सबसे पहले चावल। इसको मैंने आधा घंटा भिगो लिया था। यहाँ मैंने टोटा चावल लिए हैं, तो इससे जो है वो खीर बहुत अच्छी बनती है। साथ ही मैंने बादाम लिए, उसको क्रश कर लिया। साथ ही मैंने यहाँ पर बलाई ली है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ इलायची और चीनी। सब्ज़ इलायची को मैं सबसे पहले इसमें पाउडर बना लूंगी, इसका लाइक दिस। ये ऐसा चाहिए, इससे ये होता है कि जायका बहुत मजेदार आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 लीटर मिल्क लिया है, तो अब मैं इसको बॉयल आने तक वापस आती हूँ। यहाँ पर बॉयल आ गया है। अब मैंने जो ये 1 कप चावल लिए थे, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आप याद रखें कि आपने इसकी दूध में बलाई नहीं आने देनी। और यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि कभी भी आपने चीनी पहले ऐड नहीं करनी जब तक कि आपके चावल सॉफ्ट ना हो जाएं। यहाँ पे हमें इसको लगातार हिलाते रहना है और इसकी बलाई को जमने नहीं देना। यहाँ मुझे 5 मिनट हो गए, मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। मैंने इसकी मलाई जो है वो नहीं आने देनी इस पर। यहाँ मैंने 2 लीटर लिया है, तो जब तक ये 1.5 नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको पकाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर अपने चावल चेक कर लूंगी, तो ये डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें मलाई ऐड करूंगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर टेस्ट मलाई से आता है। मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है तकरीबन 3 to 4 tablespoons थी। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बनने वाली खीर है, तो आप इसको बनाएं फिर मुझे बताइएगा ये कैसी बनी है। साथ ही इसमें मैं अपना इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी, मिक्स करेंगे। यहां मैं शुगर ऐड कर दूंगी। टेन टेबल स्पून ऐड की है, तो देखिए खीर तो मीठे का नाम है, तो मुझे तो ज़रा मीठी पसंद है। अगर आपको लगे कि आपके हिसाब से ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बादाम ऐड करूँगी जो मैंने क्रश किए थे। तो अब मैं खीर को थोड़ा सा और थिक करूँगी। यहाँ पर आपने इसको हिलाते रहना है। लाइक दिस, और फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम करनी है। बस यहाँ पर असल ट्रिक है कि आपने इसको रोकना नहीं है, लगातार चलाते रहना जब तक कि आपको उस तरह का इसका टेक्सचर ना हो जाए जिस तरह आप खीर पसंद करते हैं। ये यहाँ पर रेडी है, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। एट दिस स्टेज आपने इसको उतार लेना है। अब मैं इसको
5 से 6 घंटे फ्रिज में रखूंगी। तो ये ठंडे होने के बाद तो बहुत टेस्टी लग रही है। तो देर किस बात की है, आप भी मेरी रेसिपी को बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।